बात कैसे नहीं था। मूंग है, दिखाओ और इसमें से क्या बनता है? टन टन, मूंग की दाल बन जाती है ना? हाँ। गुड इवनिंग। लेकिन आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले कुछ बहुत ही सीरियस बात करनी है ना? हाँ। क्या है वो सीरियस बात, बता दो जल्दी। सब्सक्राइब करो और शेयर लाइक। हाँ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो क्योंकि 7.5 लाख से 8 लाख में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है और अब जल्दी जल्दी हमें 8 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। अभी हम आए हैं खेत में, यहाँ पे कुछ काम स्टार्ट करना है और आप देख सकते हो जो गोल्ड मेडल चाहिए है ना? हाँ, उसके बाद है ना, उसके बाद डायमंड वाला। अभी उसके लिए तो बहुत टाइम है। अभी जो आप देख सकते हो ये छोटे छोटे यहाँ पे ग्रो हुआ है, ये ग्रास है जो हमने लगाया था, वो बहुत ही अच्छे से निकल रहा है। थोड़ा थोड़ा ग्रो हुआ। ओके, चलो बातों को हेल्प कर दो वहाँ पे। तो मैं डोल ले जाऊँ क्या कोथरी? वो कोथरी लेते हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम कर। मक्की दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ। हाँ, ये क्या, किसके सीड से? ये मकाई के, मक्का बोलते हैं, कोई मक्की बोलते हैं। तो ये सीड्स अभी यहाँ पे लगाने हैं। ये जो कैरेट अभी ख़त्म हुए हैं तो कैरेट का क्यारा पूरा खाली हो चुका है ना? थोड़े थोड़ा, ओके, थोड़े थोड़ा, ये परफेक्ट। हाँ, ऐसे ही। अब तो मास्टर हो गया है ना ये कामों में, सीड्स लगाने में। गुड, वेल डन। हाँ, ऐसे ही, बहुत ही अच्छा। मैं अभी लेके आती हूँ और, ठीक है? सब कुछ आज होमवर्क खत्म कर दिया। अब ओम कौन से ग्रेड में आने वाला है? फर्स्ट ग्रेड। यस, ये नई स्कूल भी है ना? गुड। वो और दे दो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा है। ओके, तो लेट में। ओके, कोई चीज ज्यादा डालना, ठीक है? यहाँ पे ये गाजर है। ओह, गाजर। हाँ, ओके, वो ठीक है, ये डाल दो। अब यहाँ पे पानी आ रहा है ना, फिर वहाँ पे भी पानी जाएगा है ना? ओके, थोड़ा थोड़ा वापस भी डालते जाओ। देखो अब आ तो कर रहे, वैसे करो ऐसे स्टाइल में थोड़ा सा, ठीक है? आ तो कैसे कर रहे वैसे? ये परफेक्ट, ये अच्छा है। वो ऐसे नहीं, थोड़ा दूर दूर। इतना एक जगह पे नहीं, चारों तरफ जाने दो। खत्म हो गया। खेरू भाई खेती करे छे। तो अभी सीड्स डाल दिए, तो अब इसके ऊपर मिट्टी लगानी है, तो जिसका काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो जोर शोर से। हो रहा है। अब मैं करूँ दौड़ के जा रहा। अब मैं करूँ थोड़ा सा? नहीं। हाँ, वहाँ से करो। हाँ, थोड़ा थोड़ा लेके। हाँ, ऐसे। मकाई एवं तो अभी यहाँ पे हमारा रजका है जिसमें पानी अभी जा रहा है, तो जब तक ये पानी पी जाएगा तब तक हमारा जो मक्की हमने लगाई है वो रेडी कर देंगे, तो फिर यहाँ से सीधा पानी जा सकता है वहाँ पे भी। अब मैं थोड़ी सी ओम को हेल्प कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए वो। ओह, ये बकेट में क्या करना है? हाँ, ये बकेट में क्या करना है?
और ये कैरेट लेके जाना है शिवानी के लिए। ओके ओके, देखो इतने सारे कैरेट हमने यहाँ से ढूंढे हैं ना, अभी ये क्यारा पूरा रेडी हो चुका है मक्की का, है ना। अब जुआर में जब पानी पी जाएगा तब फिर इसमें आएगा। मैं सैंडल काट दो, इसमें मद है। अभी ओम वहाँ पे बकेट में सारे कैरेट भर रहा है, और खेत का कुछ काम हो तो ओम को बहुत मजा आता है। ओम आ जाओ, अब हो गया हो तो यहाँ बाबू के पास आ जाओ, वो रहने दो, अभी हम घर जाएंगे ना तो लेके जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपने देखा मक्की लगाई हमने, ताकि जैसे ये ख़त्म ना हो उससे पहले मक्की हो जाएगी, और उसके बाद वापस ये हो जाएगा, फिर कुछ और भी अभी लगाना है, तो एक के बाद एक ऐसे ग्रीन ग्रास हमारे एनिमल को मिलता रहता है। और फिर हमारे ऊपर से क्या जा रहा है, फोर लाइन में जा रही है सब घर अपना। बहुत ज़्यादा का टाइम है ना, अब तो कुंजू यस्टरडे आए थे, आज भी आए, अभी रोज आते हैं वो मूंगफली खाने के लिए। तो पानी चल रहा है यहाँ पे, और इसलिए वो का काम भी होगा, भारतीय टीम का मेकिंग भी करेगी। आज एडिटिंग बाकी है, अच्छा एडिटिंग नहीं किया आज, ओम का असेसमेंट का था ना वो फाइनल खत्म किया, खत्म हुआ सब, रिटर्न का के लिए वीडियो बनाने का सब कुछ, अभी आएगा एक दो दिन के लिए थोड़ा सा होमवर्क, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, है ना। ओके, तो अब जाइए घर। ये सीड आई जो तारे बाप पापा है जो मोई तो जो आमा काई ना किया रामू की पानी जाए। ओके, लेकिन ये से अभी वहाँ पे रामू की घोड़ी है, हाँ, जो अभी ग्रास खा रही है रामू के खेत में, जो भी धनिया था वो यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, बंचेस बना के ट्रैक्टर से सब लगा दिया है ऑलरेडी यहाँ पे, और अभी वो प्रेग्नेंट है रामू की घोड़ी भी, अभी आई थिंक पता नहीं 8-9 महीने हुए होंगे। ये दिख रहे हो तुम भी आ जाओ, जो पानी जाता है ना उसके बाद जो जगह होती है वहाँ पे वो छोटे छोटे जैसे वो बन जाते हैं पीसीस मर्ड के, वो हमको अच्छे लगते हैं ना। हाँ, ये जो जैसे कि हाँ चिप्स जैसे होते हैं, हाँ वो वो जो चिप्स होते हैं जो हम खाते हैं। हाँ चलो, लेकिन सिर्फ ये दून होती है तो अभी पानी चल रहा है वहाँ पे, तो रामदेव वहाँ पे, अभी मैं थोड़े से जो गोबर है वो जल्दी जल्दी में डाल देती हूँ। एंड जैसे आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो हमने जैसे बताया था कि मीरा को एक आंचल में कुछ लगा है या कैसे ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन सेम थिंग आज सुबह भी थी एंड उसी आंचल में था, और दूसरी साइड पीछे का जो आंचल होता है उसमें भी थोड़ा सा वो स्क्रैच था, एंड ये जो सेम आंचल है उसमें भी पीछे है। तो अब रामदेव ऐसा बोल रहा था कि शायद उन्होंने अपने मुंह से ही वो बाइट किया, क्योंकि ज़्यादा दूध पड़ता है, ज़्यादा वो हार्ड हो जाता है, तो इसकी वजह से ईचिंग होता है। सो ऐसा लग रहा है कि शायद मीरा ने ये किया होगा, आगे ये देखो हवा सुन के। सो अभी इसके लिए दवाई चल रही है हम लगा रहे, लेकिन आज रात को इसको टाई कर देंगे ताकि वो ज़्यादा वो ना करे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ऑलरेडी इसमें हमने दवाई लगा दी है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे था आगे पूरा इस साइड में, तो दवाई लगाई है तो ऑलरेडी ड्राई हो गया है, तो वैसे ही यहाँ साइड में किया आज, आप देख सकते हो ये मुंह से ही किया हुआ है, वो पता चल जाता है यहाँ पे और यहाँ पे आगे है, और आई थिंक रामदेव बोला था कि थोड़ा सा दूसरी साइड भी किया हुआ है, ज़्यादा तो नहीं है दूसरी साइड, इसमें ज़्यादा है, ये है वो। आज जब मैं सुबह आई तभी मैंने देखा था, तो तभी लग रहा था कि ये शायद मीरा ने मुंह से किया हुआ हो सकता है। यहाँ पे भी है, इस साइड में भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बैठने की वजह से नहीं है डेफिनेटली। मम्मी भी बोल रहे थे कि कोई कोई गाय होती है ऐसी भी जो अपना दूध ही पीने के लिए वो कुछ करती है, या फिर ईचिंग होता है तो इसी की वजह से वो आंचल मुँह में ले लेती है, एंड इसकी वजह से उसको थोड़ा सा वो ज़्यादा करने की वजह से या फिर बाइट कर लिया ऐसा कुछ हुआ, तो वो ऊपर का जो स्किन था वो पूरा निकल गया, लेकिन वो ठीक हो जाना भी बहुत ज़रूरी है जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर जब बेबी आ जाएगा फिर बहुत ज़्यादा दूध आएगा, तो फिर अगर वो आंचल में थोड़ा सा कुछ स्किन का वो प्रॉब्लम होगा तो हम अच्छी तरह से दूध नहीं निकाल पाएंगे या फिर बछड़ा भी नहीं पी पाएगा। सो इसलिए इसको दवाई हम रेगुलरली कर रहे हैं,
ताकि जल्दी ठीक हो जाए। मीरा अभी कितनी देर लगाओगी, कब आएगा बेबी ये भी बता दो। हाँ बी स्ट्रॉन्ग गर्ल, हाँ मीरा बहुत ही गुड गर्ल, स्ट्रॉन्ग तो ये ऑलरेडी है, एनर्जी इसमें ताकत तो बहुत ज़्यादा है। बस अभी शायद 2-3 दिन निकाले या क्या पता नहीं, अभी कुछ बोल नहीं सकते, सब भगवान के हाथ में है कब नया बेबी इस दुनिया में आएगा। सो जो भी हो, सब कुछ हेल्दी हो जाए, सब कुछ अच्छे से डिलीवर हो जाए बेबी सेफली, और दिन में हो जाए तो अच्छा है। तो सब कुछ अच्छे से, जैसे हम इसका फिर दूध निकालना भी होता है, बछड़े को पिलाना होता है दूध, तो दिन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर रात को भी होता है तो कभी कभी रात को भी होती है डिलीवरी, उसका कुछ डिसाइड नहीं होता। आ जाओ मीरा, आ जाओ। अभी चलने में ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी खाना भी खा रही है ठीक से, मस्ती भी करती है, दौड़ती भी है, तो इसको अभी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन शायद 2-3 दिन लगेंगे अभी ऐसा बोल सकते हम। आ जाओ मीरा, आ जाओ, मैं अभी कुछ खाना लेके आती हूँ, ठीक है। हाँ अच्छा नहीं लग रहा ना, ऐसे नहीं करते तो। ओके ओके मैं करती हूँ, चलो। और अभी सनसेट होने ही वाला है थोड़ी देर में। ओए देखो इस साइड, मीरा मीरा, अब मैं जाऊँ ठीक है, मैं वापस आऊँगी। ओके मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस आऊँगी। बस बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं अभी थोड़ा सा कर देती हूँ, चलो। बस हो गया, अब मैं जाती हूँ ठीक है, बाय। यहाँ पे एक डॉग बैठा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुछ बीमार है या ये बेबी है। मुझे देखो। हाँ मैं कहता हूँ। क्या वहाँ पे देखा तो आईज के पीछे, वहाँ पे तो आईज के पीछे देखा कुछ देख, जैसे कुछ थोड़ा सा आउट, वो देखा वो, वो लगा है, वो ऐसे थोड़ा सा स्क्विच जैसा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हूँ, हो सकता है या शायद ये बेबी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, मुझे पता नहीं है। वो एक और वहाँ पे आया था, ओ इसका फ्रेंड आया था ना, मुझे लग रहा है ये बेबी ही लग रहा है। देखो छोटा है अभी साइज में भी, देखो। ओ हाँ उसका सब कुछ बॉडी पार्ट वो सब कुछ छोटा है। देखो वो भाग भी नहीं रहा है, थोड़ा सा पास में जाने की कोशिश करो। पास में जाने की कोशिश करो, क्या करते हैं वो सिर्फ दो है। इसका मतलब अभी इसको सीखना है शायद फ्लाई करना है ना। हाँ। और इसकी मम्मी अभी इसको सिखा रही है। वो फ्लाई का वाला था। अच्छा थोड़ा थोड़ा हुआ है कि वो दूसरा वाला था वहाँ पे। ओके ये देखो इसके पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए, देखा ऊपर, अभी वो इसको सिखा रहे है ठीक है। समझ में आया, देखो इसका मम्मी बुला रही है कि ऊपर आ जाओ वहाँ पे, इसका मतलब ये इंजर्ड नहीं है लेकिन अभी सीख रहा है ना उड़ना। पे खिचड़ी में मिक्स करने के लिए काले मूंग है, तो अभी इसको इसमें डालना होगा एंड फिर इसको टर्न करना होता है ना, ऐसे करके डालना होता है ठीक है। हाँ। तुमको डालना है तो डालो पहले। मुझे मैं है ना। हाँ? मैं जब मैं छोटा था ना। हाँ? जब मैं 5 years old था ना। हाँ, तो तब मैं करता था। अच्छा और उस बार 2020 था। ओके अब 2021 हो गया है ना। हाँ अभी इसको ऐसे डालना होता है ना। અંદર હિ ચાલ ઠીક હે નહીં धीरे धीरे। हाँ चल, लेकिन मैं इसमें बहुत ज्यादा मास्टर हूँ। चल चल नहीं तो
ये नीचे से है ना। हाँ थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो रहा है, पाउडर हो जाएगा पूरा फिर। और अभी वहाँ पे रामदेव बीटरूट को वॉश कर रहा है। और ये देखो यहाँ पे क्या, मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं इसको उठा सकता। हाँ लेकिन उठाना नहीं है, वो पड़े रहने दो वहाँ पे भी। हाँ, हाँ। अभी मुझे टीलू का मिल्किंग करने जाना है। तो इसमें से जैसे ये पूरे मूंग है, दिखाओ, और इसमें से क्या बनता है, टन टन। हाँ। मूंग की दाल बन जाती है ना। हाँ। वो ये जो मूल है ना, मूंग नॉट मूल, मूंग, ये जो मूंग है ना। हाँ? वो दाल बन, वो कट कट हो जाता है। हाँ, हाफ पीसेस हो जाते हैं ना। हाँ, टू पीसेस हो जाते हैं, टू पीसेस हो जाते हैं इसमें से और फिर इसमें से। ओके उसको करने का।